हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टिटनेस के बारे में। इस बीमारी और इंजेक्शन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। अगर ये इंजेक्शन किसी व्यक्ति को नहीं लगाया जाता है तो कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, शायद इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जानेंगे इस वीडियो में टिटनेस बीमारी के लक्षण और कारण के बारे में, जानेंगे टिटनेस इंजेक्शन के यूज, डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टिटनेस इंजेक्शन एक वैक्सीन है। टिटनेस की अगर बीमारी की बात करते हैं तो यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण हो सकती है या किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। टिटनेस के कारण की बात करते हैं, टिटनेस बीमारी के कारण जान लेते हैं। बैक्टीरिया मिट्टी के कारण, घर में रखे सामान के बैक्टीरिया या घर के बाहर के सामान के बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। टिटनेस चोट लगने के कारण भी हो सकती है। चोट चाहे लकड़ी की हो या लोहे की हो या किसी प्लास्टिक के सामान की हो, अगर आपको चोट लगी है तो आपको टिटनेस होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर चोट लगती है तो आप टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। आपको छोटी से छोटी चीज़ों से भी टिटनेस हो सकता है, जैसे पिन, ब्लेड या किसी और अन्य छोटी चीज़ों से भी आपको टिटनेस हो सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार से चोट लगी हो तो आप तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को टिटनेस होता है तो उसको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको चोट लगी हुई है और आपने टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया है तो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। इसमें सबसे पहले लॉकजॉ की बीमारी होती है। इसमें मुंह खुलने की प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉपर तरीके से मुंह खुलना बंद हो जाता है। इस बीमारी के कारण हमारे जबड़े कड़क और टाइट होने लगते हैं, जिसके कारण प्रॉपर मुंह खुल नहीं पाता है और खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। टिटनेस के कारण हमारी गर्दन के मसल्स टाइट होने लगती है और बैक बोन्स में दर्द होने लगता है। तीसरी समस्या, जबड़ा पूरी तरह से पीछे खींचने लगता है और प्रॉब्लम होने लगती है। फीवर आने लगता है। टिटनेस के कारण बॉडी की हड्डी बेंड होने लगती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इफेक्ट आने लगता है। टिटनेस इंजेक्शन न लगने के कारण इतनी सारी बीमारियां होती है, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। अगर आपको चोट लगती है तो आप टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब इसके यूज़ की बात कर लेते हैं। टिटनेस इंजेक्शन की यूज़ की बात करते हैं तो इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टिटनेस की बीमारी से बचने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए किया जाता है। टिटनेस इंजेक्शन का यूज़ चोट लगने के 24 घंटे के बाद तुरंत इसका यूज़ करें। इसे बच्चों को भी लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की। टिटनेस के डोज की अगर बात करते हैं तो इसको 0.5 ml पर व्यक्ति के हिसाब से लगाया जाता है। इसे सिर्फ IM रूट से ही लगाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं टिटनेस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की। जनरली इस इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी को साइड इफेक्ट होते भी है तो इंजेक्शन लगने के कारण स्किन रेडनेस हो सकती है, स्किन पर स्वेलिंग आ सकती है, स्किन पर जलन हो सकती है, उल्टी जैसा लग सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आप इस इंजेक्शन का यूज़ स्वयं न करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको टिटनेस के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।